सेम, अगर दोनों सेम तरीका से बढ़ेगा ना तो अगर हस्बैंड भी नहीं पहचान पाएगा कि मेरा वाइफ कौन है, मेरा वाइफ कौन नहीं पता कर पाता है। तो उसके तो यहाँ से क्या करता है कि अंडाणु दो भाग में बढ़ जाता है, और दो भाग में बांटेगा तो एक इधर फर्टिलाइज हो जाएगा, एक इधर फर्टिलाइज होगा, तो एक दिन इसका भी बनेगा, एक दिन इसका भी बनेगा। और दोनों जब पहली बार धड़केगा तो पता ही है औरत वोमिटिंग कर देगी, और वोमिटिंग करेगी तब खुशखबरी आ जाएगा घर में, इंशाल्लाह भाई 8 महीना और इंतजार कर फिर कहाँ कहाँ करेगा। यहाँ पर देखो तो क्या होता है, जुड़वा बच्चा हो जाएगा तब, जब दूध को करेगा तब। और ये मादा जनन तंत्र की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मादा जनन तंत्र होता है कैसा है। तो मादा जनन तंत्र की बात करो तो इसकी आकृति कुछ इस तरह की होगी। जी, और कल पढ़ेंगे पुरुष यानी कि नर जनन। इसमें दो तरह के लक्षण आते हैं, लैंगिक लक्षण और एक द्वितीय लक्षण। तो लैंगिक लक्षण उसको कहते हैं जिसमें जनन करने की क्षमता आती है, और द्वितीय लक्षण किसको कहते हैं जिसमें मूंछ दाढ़ी वगैरह सब कुछ आता है। इसी एज में क्या होता है, लोग को आवाज भी तेज होने लगती है, मतलब भरभराने लगता है लड़का लोग, अगर लड़की लोग है तो उसका आवाज और क्या होता है मीठा होने लगेगी। जब लड़की देखो बचपन में अगर देखो ना, अगर लड़की है तो लड़की की बचपन में आवाज थोड़ा भारी होता है, और लड़का का जो होता है ना आवाज लड़का का उसका थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे लड़का बड़ा होगा, एज बढ़ता चले जाएगा, 21+ हो जाएगा, लड़की 21+ हो जाएगी, तो लड़की का आवाज और मीठा होने लगता है, और लड़का का आवाज धीरे धीरे फटे लगेगा। अब बोलेगा ना तो एकदम फटल बॉस ऐसा बोलेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा क्या बात पे। लेकिन रियलिटी है उसका आवाज क्या होता है वैसा हो जाता है, लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता। लड़कों में जो आवाज होता है ना उसका मेन कारण देखो ये है, ये जो निकलता है ना इसके कारण। लेकिन लड़की के को नहीं देखो कि निकलल है, केकड़ो है किसी को नहीं, और नहीं निकलता इसी वजह से क्या होता है तो उन लोग बोलेगी ना तो खराब हो तो बोलेगी तो मिला मिला के फुसला के एकदम सब काम करवा लेगी। लेकिन लड़का लोग से कोई लड़की नहीं फुस सकती है। तो यहाँ पास देखोगे तो क्या होता है आवाज भी चेंज होते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं द्वितीय लक्षण। और लैंगिक लक्षण क्या होता है कि अगर कोई लड़की है, क्योंकि हम लोग माता जन्म तंत्र पढ़ रहे हैं तो बात तो होगी लड़की की, और इसके बाद पढ़ने वाले हैं नर, तो उसमें बात करेंगे लड़का का। तो अगर मादा जनन तंत्र की बात करोगे तो उसमें हम इससे पहले वाली क्लास में बताए थे कि उसके लड़की के अंदर में शुरुआती से इसके अंदर में एग्स होते हैं, जिसको ओवम भी बोला जाता है, अंडाणु बोला जाता है, अंडाणु जिसमें रहता है उसे अंडाशय बोलते हैं। ये क्या होता है अंडाशय, अंडाशय, और इसके अंदर में ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु, अंडाणु ओवम, और इसको ओवरी, ओवरी के अंदर में क्या होता है अंडाणु। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब, ये वाला जो होता है इसे क्या बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। और इस फिलिपियन ट्यूब के द्वारा ही एक्स का उत्सर्जन होता है, एक का उत्सर्जन होता है। और इसमें जाओ तो ये वाला हिस्सा जो नजर आ रही है, ये वाला पूरा हिस्सा यूट्रस कहलाता है, या गर्भाशय, गर्भाशय, या इसको बच्चदानी भी लोग बोलता है, क्या इसको बोलेंगे बच्चदानी, या अंग्रेजी में यूट्रस। बच्चदानी का अर्थ, उसको बच्चदानी का अर्थ क्या होता है ना, जिसमें बच्चा रहता है, जिसमें बच्चा रहता है उसको हम लोग बच्चदानी बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, या गर्भाशय बोलते हैं, जो तुमको अच्छा लगता है उसको बोल सकते हो। और इसमें दो क्या होता है अंडाशय, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ वर्क नहीं करता है, दोनों एक साथ वर्क नहीं करता है। अब इसको सारे भाग याद रखना, नाम हमेशा याद रखोगे, और जैसे ही इसके नीचे वाला हिस्सा में आओगे तो इसके इस पोर्शन में कुछ और छिद्र वगैरह होते हैं। इसमें जाओ तो हम बता दूं कि इसमें तीन छिद्र होते हैं, तीन नहीं दो ही छिद्र होते हैं, इसमें तुम्हारा दो छिद्र मिलेगा। सबसे नीचे वाला पार्ट से बाहर से दिखाई देने वाला चीज होता है, जबकि ये सब क्या है अंदर वाली पार्ट होती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखो गर्भाशय का, तो जो नाभि होता है ना, नाभि, लेडीज का नाभि के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो यूट्रस होता है। और इसके नीचे में चले जाओ तो इसमें एक यहाँ पास छोटा सा मतलब मसा टाइप एक निकला हुआ, क्या उसको बोल सकते हो, अरे नहीं निकला हुआ रहता है, किसी का मसा वगैरह फेंक देता है उस तरह से यहाँ पास एक निकला हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इस वाला जो बिंदु ऐसा रहे ना छोटे सा, इसका नाम रहता है क्लाइट्रस, इसको क्या बोलेंगे क्लाइटोरस। ये जो बिंदु होती है इसको बोला जाता है क्लाइटोरस, टोरस।
और जस्ट इसके नीचे में एक छिद्र होती है, एक छिद्र और होती है यहाँ पास, और इस छिद्र को बोला जाता है यूथेरस। इसको क्या बोलेंगे? यूथेरस, यूथेरस। और इस छिद्र से ही टॉयलेट बाहर आता है, और इसके जस्ट एग्जैक्ट नीचे एक छिद्र और होता है, और इस छिद्र को बोला जाता है वल्वा। इसको क्या बोलेंगे? वल्वा। अब इन तीनों में देखो अंतर क्या, सारा इस मादा जनन तंत्र का जो नाम है वो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि महिलाओं में जो जनन तंत्र होता है उसमें दो अंडाशय होती है, एक इधर और एक इधर। इस अंडाशय में अंडाणु होता है, और अंडाणु इस नली से निकलती है, निकल कर करके गर्भाशय में आती है, और इस नली को जिससे निकलती है कौन? अंडाणु, अर्थात अंडाशय और एक गर्भाशय के जोड़ने वाली जो नली होती है, इस नली को बोला जाता है फिलोपियन ट्यूब, और इस फिलोपियन ट्यूब से ही एग्स बाहर आते हैं। इसके जैसे ही वाला हिस्सा में आओगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय या बच्चेदानी। और इसके जस्ट नीचे वाले हिस्सा में जाओ तो इसके नीचे वाले हिस्सा में आओगे तो यहाँ पास एक चीज और समझना कि यहाँ पास एक इस तरह से पतली झिल्ली होती है, इस झिल्ली को बोला जाता है हाइमेन। इसको क्या बोलते हैं? हाइमेन। और हाइमेन के जस्ट एक इस तरह से और मतलब रहता है, इसको बोला जाता है ग्रीवा या सिक्स, क्या इसको बोलते हैं? इसको ग्रीवा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीवा। और ग्रीवा और हाइमेन इसके बाद होता है, ग्रीवा जो होता है ना छिद्र होता है, यही से स्पर्म को अंदर डाला जाता है, इसके अंदर के हिस्सा होता है ये चीज। और ये हाइमेन जो होता है ना जनरली बहुत पतला झिल्ली होता है, कि हाइमेन की अगर बात करोगे तो हाइमेन एक पतला झिल्ली होता है, पतला झिल्ली। और ये झिल्ली जनरली जैसी लड़कियां 18 साल 20 साल के बीच में आती है तो उन लोग के प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर करने का मतलब कि काम करती है तो ये हाइमेन टूट जाता है। हाइमेन टूटने के समय जिस समय टूटता है ना उस समय थोड़ा सा ब्लीडिंग भी होता है, ब्लड ब्लड बाहर आता है, तो ये हाइमेन जनरली आज के डेट में हर एक लड़की का टूट जाता है। इसके पीछे का लॉजिक होता है कि ये जनरली इतना कमजोर होता है, इतना पतला होता है कि साइकिल चलाओगे तो हाइमेन थोड़ा सा हल्का सा वजन पड़ता है तो टूट जाता है, और टूट जाता है तो उसको फिर मतलब इससे कोई नुकसान होने वाली चीज नहीं है, हाइमेन से कोई नुकसान होने वाली चीज नहीं है। और इसके जस्ट नीचे आओगे तो इसमें क्या होता है? दो छिद्र होती है, एक होता है जो पर हल्का सा निकला हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरस, उसके जस्ट नीचे जो होता है उसको यूथेरस बोलते हैं, और उसके जस्ट जो नीचे होता है उसको बलवा बोला जाता है। यूथेरस जो होता है इससे क्या होता है? मूत्र बाहर आता है, मूत्र बाहर। और ये जो होता है वल्वा, ये तुम्हारा इसी को बलवा में बोला जाता है योनि, योनि। और इसी के द्वारा, इसके द्वारा स्पर्म जो होता है ना स्पर्म को अंदर भेजा जाता है, मतलब इसकी जो बलवा होती है इस बलवा का सीधा संपर्क किस जो होता है? इस गर्भाशय से। जबकि यूथेरस क्या होता है? यूथेरस जो होता है ना यूरिन के लिए होता है, यूरिन। जैसे याद करके हमको बताए थे इसको जब सर्जन पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि मनुष्यों के पास दो किडनियां होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और इसका सीधा संपर्क होता है मूत्राशय से। इस किडनी का संपर्क किस होता है? मूत्राशय से। और मूत्राशय के बाद जो उत्सर्ग मूत्र के रूप में जो बाहर निकलता है तो छिद्र रहता है, और उस छिद्र से ही निकलता है क्या चीज? मूत्र बाहर निकलता है, इस छिद्र को क्या बोला जाता है? यूथेरस। और जबकि यही चीज अगर लड़का में देखोगे तो ऐसे तो इसको हम फिर एक सेपरेट क्लास लेंगे ही, ऐसे लड़का में बता दूं कि लड़का में टेस्टिस होता है दो, जो शरीर के बाहर होता है, और इस टेस्टिस जो होता है वो इस तरह से जुड़ा हुआ नस से, और इधर से एक याद फिर से इसको समझो, यूट्रस होता है लड़कों में, और लड़का के ये वाला नस होता है यूट्रस जो जुड़ा हुआ रहता है इस नली से, और ये जो नली होता है नस ये जुटा हुआ रहता है मूत्राशय से ये, और इसका यहाँ पास एक द्वार होता है, और ये वाला पेनिस से जुड़ा हुआ रहता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है? पेनिस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, पेनिस। और यहां से देखोगे ना तो इसमें तो लड़कों में जो होता है ना छिद्र एक ही होता है, और वो छिद्र अगर यूट्रस से सॉरी टेस्टिस से अगर स्पर्म निकला है तो स्पर्म निकलते समय इसका जो मार्ग होता है ये यूरिन वाला बंद हो जाता है, और बंद हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बाहर आएगा, यूट्रस मतलब नहीं आएगा। मतलब कि सीधी से अर्थ इसका ये है कि अगर कोई लड़का है और वो स्पर्म कर रहा है मतलब उसका स्पर्म बाहर आ रहा है एज अ सेक्सुअल रिलेशन के टाइम, तो वहां पर वो सेक्सुअल के दौरान मतलब संपर्क के दौरान वो टॉयलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका अगर जिस समय
टेस्टिस से स्पर्म बाहर आता है तो उसका वाला रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब कि टॉयलेट कर ही नहीं सकता है। जबकि लड़कियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अगर देखोगे तो दोनों के दोनों छेद अलग है, टॉयलेट के लिए अलग और सेक्स रिलेशन के लिए अलग। तो इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा से कभी भी टॉयलेट बाहर नहीं आता है, क्योंकि टॉयलेट के लिए जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, यूथ्रस होता है। और इसके जस्ट ऊपर में इस जो बलवा होता है, इसके जस्ट ऊपर में होती है यूथ्रस, और यूथ्रस की साइज बलवा की साइज से क्या होती है, छोटी होती है, इसकी साइज छोटी होती है। और एक चीज और कि अगर सेक्स रिलेशन के दौरान अगर कोई देखना चाहेगा इसको, जनरली ये झाका हुआ रहता है, ये क्या होता है झाका हुआ रहता है, और इसको मतलब हटाओगे तब ये दोनों छिद्र नजर आता है। और इसके जस्ट जो होता है नीचे, जिसको उत्सर्जन करते हैं सुबह सुबह ले जा करके, नहीं नहीं खाते पीते हैं तो बाहर निकलता है, उसको एनल बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एनल। वो जस्ट इसके नीचे होता है, जस्ट इसके नीचे होता है, उसके छिद्र को हम लोग एनल बोलते हैं। और उससे हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। अब यहाँ से देखो, समझते हैं इसको फिर से, कि यहाँ से क्या होता है कि एक बाहर निकलेगा, मतलब कि अंडाणु बाहर निकलेगा, और ये अंडाणु यहाँ आकर कर कर करके इंतजार करता है किसका, स्पर्म का। और स्पर्म इस वलवा के द्वारा ग्रीवाश होते हुए किसके साथ जाता है, सॉरी ऐसे होते हुए किसके पास जाता है, अंडाणु के पास। ऐसे बता दूं कि अगर कोई लड़का है तो उसमें स्पर्म होता है, अभी जैसे हम बताएं हमारे पास कि ये क्या है, टेस्टिस है, और इस टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म। और ये स्पर्म निकलता है इसकी इस मार्ग से बाहर, यहाँ पास इसको में छिद्र होता है, छिद्र ना रहेगा तो टॉयलेट किसे करेगा, तो इसमें छिद्र होता है, उसी छिद्र से क्या होता है स्पर्म बाहर आता है, और ये स्पर्म को इसके बलवा में प्रवेश करवाता है, ठीक है, इसके बलवा में। और इस बलवा की जगह अगर कोई व्यक्ति स्पर्म को यूथ्रस में डालता है तो यूथ्रस में नहीं जाएगा। इसकी पहली बात है कि इसकी छिद्र छोटा होती है, और दूसरी बात है कि अगर इसमें अगर कोई डालना भी चाहेगा तो इसको में डालने के बाद वो सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ मूत्राशय में, और मूत्राशय में अंडाणु थोड़ा ना होता है, तो वहां जाकर बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक स्पर्म है तो एक स्पर्म में जो लाइफ टाइम लाइफ होती है वो 20 मिनट का होती है, 20 मिनट के बाद वो अपने आप स्पर्म मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर कोई सेक्स रिलेशन बनाता है तो उसकी स्पर्म यानी कि लड़का जो स्पर्म है कहाँ डालना चाहिए, इसमें, और इस बलवा में डालते ही पहुंचेगा कहाँ, अंडाणु गर्भाशय में, गर्भाशय से होते हुए इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों तरफ स्पर्म जाती है। और एक बार में अगर कोई अच्छा सा मतलब देखे किसी तरह के कोई रोग ग्रसित नहीं है तो उसको भी लगभग 7 से 8 मेल स्पर्म होता है। और इस स्पर्म में स्पर्मों की शक्ति, इसको बीज बोला जाता है, सीमेन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो निकलता है इसकी कलर देखो तो व्हाइट होता है और उसमें एक विशेष तरह की गंध होती है। तो ये जो 7 से 8 ml जो बीज होता है ml, इस 7 से 8 ml में बीज में स्पर्म की संख्या लगभग 20 लाख, लगभग 20 लाख। और इस 20 लाख में मात्र इसे फर्टिलाइज करता है एक स्पर्म। सबसे पहले जैसे स्पर्म इस रिलेशन में, तो सबसे पहले जो बच्चा बनता है उस बच्चा का दिल बनता है, दिल समझ में आता है, अरे ये वाला दिल नहीं, अगर बात करें ये वाला दिल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये दिल हैप्पी लकी वाला है, ये दिल नहीं, ये दिल तो लोग खाली बनाता है, ये दिल की हम बात कर रहे हैं जो कार ऐसा होता है जिसमें 4 चैम्बर होता है, ये दिल बनता है। और जब पहली बार धड़कता है ना, तब लेडीज जो है ना बुमेटी करती है, पहली बार धड़केगा तब घर में पता चल जाता है कि हो बधाई हो आप बनने वाले, पहचान होती है इसका। जैसे पहली बार धड़केगा ना तो बुमेटी करेगी, और नहीं अगर करी है, नहीं धड़का है, तो समझ लो कि कहानी करता है, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये थेरस होता है। और इसी में भी एक चीज और समझो कि जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो अच्छी तरह से हो जाता है, तो याद करो सबसे पहले इसको फिर से समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ से स्तर में कहा जाएगा, सबसे पहले बलवा में एंट्री करवाना होगा किसको, पेनिस को, पेनिस याद रखना, पेनिस किसको बोला जाता है, जो नर जनन तंत्र होता है, पेनिस उसको बोला जाता है, टॉयलेट जिससे करता है। और ये तुमको कहाँ जाएगा, बलवा में, बलवा, और बलवा में जाकर के क्या छूटेगा, स्पर्म, स्पर्म। और जैसे ही स्पर्म छूटेगा तो ये स्पर्म कहाँ जाएगा, इस गर्भाशय में, यूट्रस में जाएगा, गर्भाशय,
और एक गर्भाशय से होते हुए स्पर्म कहाँ पहुंच जाता है, ये हाँ फिलिपियन ट्यूब के पास, गर्भ नली में जिसको बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, गर्भ नली। और जैसे यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पास इंतजार कौन करता है इसको, एक एक मैंने अंडाणु एक से, और यहां से इसको जा करके कौन मिल जाएगा, स्पर्म में स्पर्म, और स्पर्म मिलेगा तो यहाँ पास फिर क्या हो जाएगी, निषेचन। ये दोनों को मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, निषेचन, ये निषेचन होती है। और निषेचन के बाद फिर से ये निषेचित अंड यहाँ आकर के गर्भ में क्या होती है, स्थापित हो जाती है। जैसे ही गर्भ में स्थापित हो जाएगा तो धीरे धीरे आकार बड़ा करते जाएगा। अब एक महीना जैसे ही होगा, मतलब किसी को चार मंथ में, सॉरी चार सप्ताह में, या किसी को छह सप्ताह में बुमेटिया आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत हुआ बुमेटिया, ऐसा नहीं, कम से कम उसको एक महीना लगेगा, और एक से डेढ़ महीना के बीच में बुमेटिया कर ही देगी, कर देगी तो समझो कि वो ठीक ठाक है, अगर ना हुआ तो गड़बड़ है। एक से एक पहचान और है कि अगर मान लो कि यहाँ से एक्स निकला और एक्स फर्टिलाइज्ड नहीं किया, तो एक्स फर्टिलाइज्ड नहीं किया मतलब निषेचित नहीं हुआ, तो एक्स का होता क्या है, एक्स हर मंथ तैयारी करता है, हर मंथ में इंतजार करता है कि कोई मुझसे आए, गला मिले और उससे हम एगो नन्हा मुन्हा प्यारा सा बच्चा दे दे, एक्स का निश्चित रहता है, मतलब कि हर मंथ में। और इसमें क्या होता है कि अगर एक्स यहाँ फर्टिलाइज नहीं किया तो एक्स यहाँ पास इसको 28 दिन तक इंतजार करता है। जैसे इसको 28 दिन करने का कहने का अर्थ ये है ना कि जैसे मान लो कि यहाँ से निकला, तो यहाँ से निकला, तो यहाँ से निकालने के दौरान ई एक्स जो है ना इस स्पर्म का इंतजार करता है कोई आन करके मिले, लेकिन जैसे ही एक्स नहीं आएगा इसको स्पर्म इसके पास नहीं आन कर मिलेगा, तो ये धीरे धीरे एक्स बर्बाद होता चला जाता है, और यही एक्स बर्बाद होकर कर करके अंडाणु नष्ट हो जाता है, और यही नष्ट अंडाणु बाहर निकलता है। और किससे, किसके माध्यम से निकलेगा, बलवा के माध्यम से, ना कि यूथेरस के माध्यम से। यूथेरस से क्या निकलता है, यूथेरस से टॉयलेट निकलता है, और ये निकलता है बलवा के माध्यम से, और इस बलवा के माध्यम से निकलता है डिस्ट्रॉयड एक से निकलेगा, यानी बर्बाद हुआ अंडाणु क्या होगा, बाहर निकलता है। और इसको निकालने में लगभग 3 से 7 दिन का समय लगता है, 3 से 7 दिन का, और 3 से 7 दिन के बाद क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर इस दौरान जैसे यहाँ पास अगर देखोगे तो किसी के 28 दिन, अगर 3 से 7 दिन के बीच में किसी के साथ सेक्स रिलेशन बनाता है, तो उस समय क्या होगा कि इसका प्रेगनेंसी अगर जांच करेगा, मतलब रिलेशन के बाद, तो उसका गर्भधारण के 99.9% 100% चांस रहता है कि वो नहीं करेगा, मतलब अंडाणु जो है स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं करेगा, और यहाँ वो प्रेग्नेंट नहीं होगी लेडीज। तो इसमें अगर देखो तो 3 से 7 दिन क्या होता है, इसको बाहर आने में लग जाता है, और इस दौरान, बाहर आने के दौरान याद रखना, इस जो जिस एक्स को बाहर निकालने की जो विधि होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रुअल साइकिल बोलते हैं, एमसी बोलते हैं, या इसी को लोग पीरियड वगैरह कुछ कुछ खाना टेकना कुछ कुछ बोलता है इसको लोग। तो इसकी अगर बात करोगे ना, तो इस समय जो होता है मतलब मेट्रुअल साइकिल के दौरान इसके टाइम इतना होती है, और मेट्रुअल साइकिल के दौरान देखो इसमें कुछ पेन भी होता है, पेन उन्हें इसके दौरान दर्द वगैरह भी होता है, खास इसके बारे में औरत लोग ही बता सकती है, तो इसमें क्या होता है डॉक्टर लोग बता सकती है, हम लोग क्या अच्छा खासा जानकारी रहता है। लेकिन ये कंफर्म है कि इस 3 से 7 दिन का समय लगता है, और इसके निकालने के दौरान कुछ पेन होती है, पेन उन्हें दर्द वगैरह होता है, तो इसको लोग दवाई ववाई भी लेता है। और एक चीज और कि अगर किसी, जैसे एक चीज इसको कभी देखना कि जो मेट्रो साइकिल होता है ना, उसको लोग को मतलब एक छुआछूत की बीमारी मानता है, जैसे मान लो किसी के नवरात्रि वगैरह या कुछ वगैरह है, तो अगर ये मेट्रो साइकिल के दौरान है तो पूजा पाठ करने नहीं जाए, या कोई ऐसा फंक्शन वगैरह है वो नहीं करेगी, तो बढ़िया ना दवाई आता है 10-5 टाइम खा लो, 5-10 दिन के बाद उसका टाइम क्या हो जाता है, टल जाता है, आगे चल जाएगा आराम से, नवरात्रि करो फिर तुमको बाहर आएगा। तो इस समय क्या होता है, ये चीजें होती है, लेकिन खास करके कोई मतलब नया बात नहीं है, होता है, अगर किसी को नहीं होता है ना तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर एक्स नहीं बन रहा किसी के अंदर में तो बाहर आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो फिर कभी मतलब माँ बन ही नहीं सकती है, कभी नहीं बन सकती है। तो ये अगर किसी को होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो उसको टेंशन है, उसको टेंशन है, तो ये चीजें होती है। तो इसमें अब एक चीज आप समझो कि यहाँ से जैसे जब एक्स निकलता है तो दोनों अंडाशय जो है एक बार कार्य नहीं करता है, एक सफर नहीं करता है, एक बार एक कार्य करेगा, एक बार एक कार्य करेगा। मान लो कि इस मंथ का पीरियड यानी कि मेट्रो साइकिल है इस अंडाणु, इस अंडाशय से अगले मंथ में ये अंडाणु निकालेगा, फिर अगले मंथ में, फिर अगले मंथ में, ऐसे करते करते वो 12 मास चलता रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेट्रुअल साइकिल। और ये काम, ये संकेत जब पहली बार आता है तो उसको याद करो तो क्या बोलते हैं, मेनार्क, और जब आखिरी बार आता है तो उसको मेनोपॉज बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। और उसके बाद फिर हम लोग ये सीखेंगे कि
कोई भी बच्चा जुड़वा कैसे होता है या कोई भी बच्चा जुड़वा नहीं कैसे होता है, ये चीज सीखनी है। इसको तुम क्लियर करो, उसके बाद हम फिर इसका बताएंगे कि बच्चा होता कैसे है। ठीक है, तो बच्चा होना अनिवार्य तब होता है जब एग्स फर्टिलाइज कर जाता है। मतलब इधर से क्या गया जाएगा, इस बलवा से क्या जाएगा, गर्भाशय में पहुंचेगा स्पर्म, और ये स्पर्म जा करके मिलता है किससे, अंडाणु से। और जैसे ही यहाँ अंडाणु से मिलता है, तो अंडाणु से मिलने का दो केसेस इसकी हो सकती है। मान लो कि यहाँ तो लाखों की संख्या में स्पर्म अंदर जाता है, लेकिन अंडाणु तक पहुंचते पहुंचते केवल एक ही स्पर्म बचता है, बाकी मर जाता है। पहली बात तो कि कुछ स्पर्म यही पास खत्म हो जाता है, कुछ अंदर जाता है तो कुछ स्पर्म इधर भटक जाता है रास्ता, और कुछ स्पर्म इधर भटक जाता है। तो बताओ ना कि अगर कोई स्पर्म इधर चला जाएगा तो इधर अंडाणु है या नहीं है, अंडाणु है तो केकड़ा से जाकर फर्टिलाइज करेगा, नष्ट हो जाता है बेचारा, इधर मर जाता है। और कुछ जो है ना यहाँ पहुंचते पहुंचते इधर नष्ट हो जाता है, और इसकी दीवार जो होती है ना, अंडाणु का दीवार होता है, और इस दीवार को छेद करने के लिए बहुत सारे स्पर्म पहुंचते हैं, लेकिन उन स्पर्मों में जो स्ट्रांग स्पर्म होगा, मजबूत वाला होता है, वही स्पर्म इसकी दीवार को क्या करता है, छिद्र करता है, और छिद्र कर कर करके वो पहुंच जाता है इसके अंदर में, और ये स्पर्म होता है। स्पर्म का ये वाला हिस्सा पूंछ होती है, और इसी पूंछ के सहारे स्पर्म क्या करता है, आगे बढ़ता है। अगर किसी पुरुष के स्पर्म में पूंछ गायब हो जाए तो पुरुष कभी भी फादर नहीं बन सकता है, कभी वो बच्चा जन्म नहीं दे सकता, नहीं कर सकता, बिकॉज स्पर्म तो उसको निकलेगा, बट स्पर्म निकाल करके जहाँ छोड़ेगा वहीं रह जाएगा। स्पर्म छोड़ने का स्थान क्या होता है, ये योनि, योनि के अंदर में जो बलवा होता है, इस बलवा वाले क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, ग्रीवा से अंदर जाता है और यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो वो स्पर्म यहाँ छोड़ेगा, थोड़ा ना यहाँ तक पहुंचा सकता है, यहाँ तक नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की लंबाई बहुत होती है, जो कि टेनिस की लंबाई अगर देखोगे तो मुश्किल से बहुत हार्डली से हार्डली, मतलब कितना बोल सकते हो, 4 से 3 से 4 इंच 5 इंच, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ से यहाँ उसको नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचा सकता तो यहाँ वो जा नहीं सकता है, तो उसको गतिशील यहाँ तक पहुंचने के लिए स्पर्म को क्या चाहिए, पूंछ चाहिए, और जिस स्पर्म में पूंछ होगा ही नहीं, हो जाएगा ही नहीं, तो पहली बात यहाँ फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर स्पर्म यहाँ पहुंच भी गया तो यहाँ सारे के सारे स्पर्म इसकी दीवार को तोड़ नहीं पाते हैं, और नहीं तोड़ते हैं तो इसकी लाइफ कितनी होती है, 20 से 25 मिनट होती है, 20 से 25 मिनट में स्पर्म मरेगा ही मरेगा, और मर जाएगा तो कुछ जो स्पर्म बचेगा वही जाकर के इसे फर्टिलाइज करता है। अब एक चीज और समझो कि एक स्पर्म और एक अंडाणु यदि दोनों फर्टिलाइज करता है एक एक, तब सिंगल बच्चा, और अगर मान लो कि अंडाणु इधर से एक है और दो को इसको मिल गया ताकतवर स्पर्म, मतलब कि भयंकर वाला स्पर्म, और दोनों इसको छिद करके अंदर प्रवेश कर गया, छिद्र कर करके स्पर्म दोनों पहुंच गया, यहाँ से भी स्पर्म पहुंच गया इसके अंदर में, और यहां से ये भी पहुंचेगा दो स्पर्म में। तो यहां से क्या करता है कि अंडाणु दो भाग में बट जाता है, और दो भाग में बटेगा तो एक इधर फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, एक इधर फर्टिलाइज्ड होगा, तो एक दिन इसका भी बनेगा, एक दिन इसका भी बनेगा, और दोनों जब पहली बार धड़केगा तो पता ही है औरत वोमिटिंग कर देगी, और वोमिटिंग करेगी तब खुशखबरी आ जाएगा घर में, इच्छा अलावा 8 महीना और इंतजार कर फिर कहाँ कहाँ करेगा। यहाँ पर देखो तो क्या होता है, जुड़वा बच्चा हो जाएगा, तब जब दूध को करेगा तब, अगर सिंगल करेगा तो सिंगल बच्चा। अब यहाँ पास एक चीज और है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जुड़वा बच्चा में एक लड़का हो जाता है, एक लड़की हो जाता है, अगर लड़का होता है लड़की होता है तो इस समझ लो कि फादर वाला दो स्पर्म में जाकर के इसका एग से क्या हो गया है, फर्टिलाइज कर दिया है। लेकिन अगर जुड़वा बच्चा हुआ उसमें दोनों के दोनों लड़के हो जाए या दोनों के दोनों लड़की हो जाए, तो इसका अर्थ ये है कि हो सकता है कि फादर का दोनों स्पर्म एक्स गुणसूत्र वाला होगा या दोनों वाई वाला होगा, या तो वहां एक केस और बन सकती है कि यहाँ से दो अंडाणु बाहर आएगा, दो अंडाणु बाहर आ जाएगा, और ये दोनों अंडाणु को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा, मतलब कि इधर से जो स्पर्म इसको फर्टिलाइज किया है वही इसको भी निषेचित कर देगा, और निषेचित करेगा तो ये दोनों बचपन जो होगा ना एकदम हूबहू मिल जाएगा, मतलब कुछ ही अंतर आएगा ना, तो लगभग एकदम सेम मिल जाता है। अगर ये गोर रहेगा ना तो वो गोरे होगा, अगर ये करिया होगा तो वो करिया होगा। कब, जब फादर वाला एक स्पर्म उसकी मदर के दो अंडाणु को निषेचित कर देगा, तब एकदम दोनों एकदम हूबहू शक्ल सूरत सब एक ही लगेगा, मतलब पते नहीं चलेगा कौन कौन है, पता नहीं चलता है कब, जब ये दोनों करेगा था। इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि जो स्पर्म इसको फर्टिलाइज किया है वही इसको भी निषेचित किया है, जब दोनों के एक ही किया है तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में ज्यादा चांसेस रखो कि होने वाला दोनों लड़के होगा, और नहीं तो होने वाला दोनों लड़की होगा, लेकिन जब दो
स्पर्म अलग अलग करता है फर्टिलाइज, मतलब निषेचित करता है, तो होने वाला हो सकता है संभावना में कि दोनों लड़की हो या लड़का हो, लेकिन ये दोनों में इसमें हम लोग श्योर नहीं रहते, इसमें मतलब 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि होने वाला लड़का होगा या होने वाली लड़की, हो सकता है कि वो लड़का है वो लड़की भी हो जाए, कौन इस केस में, लेकिन इस केस में एकदम मतलब मान के चलो कि 90% चांसेस रहेगा, 100% चांस रहेगा, क्योंकि इसमें एक ही स्पर्म में दोनों को निषेचित किया है, तो दोनों को निषेचित किया है, एक चाहे तो लड़का वाला किया होगा, एक्स वाला किया होगा, चाहे तो वाई वाला किया होगा, अगर वाई वाला करेगा तो दोनों के क्या आ जाएगा, पिंटू आ जाएगा, पिंटू में लड़का, अगर एक्स वाला किया होगा तो दोनों क्या आ जाएगा, लड़की आ जाएगा, अगर दोनों लड़की आएगा तो एकदम दोनों सूरत कल दोनों सब कुछ सेम रहेगा। हाँ बाद है फिर उसकी हाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में एकदम सेम, अगर दोनों सेम तरीका से बढ़ेगा ना तो अगर हस्बैंड भी नहीं पहचान पाएगा कि मेरा वाइफ कौन है, मेरा वाइफ कौन, नहीं पता कर पाते, तो उसके